The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. किसी को 30 साल में आती है, किसी को 40 साल में, 50 साल में वो बूढ़ा नहीं दिखता। हम भी सोचते हैं, अरे यार तेरी उम्र शहर पे दिखती नहीं। आप ये ठीक मेरी 37 लगते नहीं। अब वो अलग बात है। सो पॉइंट इज कि हार्ट अटैक एक एक्चुअली में एजिंग प्रोसेस है। एजिंग प्रोसेस में क्यों बोल रहा हूँ कि अगर हम 70-80 साल की उम्र के या 60 साल की उम्र के लोगों के सबके हार्ट निकाल के जब ऑटोप्सी करते हैं, पोस्टमार्टम होता है, तो मौत किसी भी कारण से हुई हो, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हुई हो, चाहे इससे हुई हो, दूसरे से हुई हो, सबके खून की नसों में ब्लॉकेजेस निकलते हैं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में सबके जैसे झुर्रियां आनी है, वैसे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आएगी, तो हार्ट के अंदर सिर्फ खून की नसें हैं। ऐसी खून की नस आपके घर पे जाने वाली गली के बराबर है। तो ऐसी गलियां, सड़कें आपके पूरे शहर में हैं, इन्हें आपके शरीर में हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसी हार्ट खून की नसें हैं। तो ये खून की नसों में ब्लॉकेजेस उम्र के साथ सब में होती है। तो एक सिंपल सी बात है, हर वो चीज, हर वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जो आपका शरीर आपकी चमड़ी में झुर्रियां जल्दी ले आएगा, सिंपल सी बात है, अगर 30 साल के इंसान में किसी में झुर्रियां दिख रही है, किसी में 50 साल में नहीं दिख रही, तो ऑब्वियसली 30 साल का इंसान कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गंदगी कर रहा है अपने साथ, या तो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, खाना नहीं खा रहा है, मोटा हो रहा है, अपनी देखभाल नहीं कर रहा। तो उसका इफेक्ट जहां चेहरे पे दिख रहा है, वहां शरीर के अंदर खून की नसों में भी होता है। तो ये एजिंग प्रोसेस जो उसका 70-80 साल में होना चाहिए था, 60 साल में होना चाहिए था, वही ब्लॉकेज 40 में शुरू हो जाता है, 30 में शुरू हो जाता है, और इसको बढ़ा देती हैं कुछ बीमारियां, कुछ बुरी आदतें। सो हार्ट अटैक इज जस्ट ब्लॉकेजेस ऑफ योर हार्ट की जो नसें, हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नसों में, जब हार्ट की नसों में जो 3 mm की छोटी सी नसें, इतनी सी नसों में जब ब्लॉकेज आ जाता है, तब वहां पर अटैक हो जाता। और ये ब्लॉकेज हर उस इंसान में आएगा जो खुद का ख्याल नहीं रखता, जो अच्छे से नहीं जीता, और दूसरे कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जंक फूड वाले फैक्टर्स हैं, इतना कुछ है कि हमें सिर्फ इतना कर सकते हैं, अपनी गलती ढूंढ सकते हैं। तो हार्ट अटैक आता कैसे है? खून के नसों में ब्लॉकेज की वजह से आता है। ठीक, थैंक यू सर।